ओके सो लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3। वैसे तो ये लैपटॉप ज़्यादातर मामलों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बट कुछ मामलों में हल्का सा पीछे रह जाता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ओके सो सीधा स्पेक्स पे आते हैं, तो इसमें हमें मिल जाता है AMD का Ryzen 5 5600H 6 Core 12 थ्रेड्स, NVIDIA RTX 3050 85 और TGP, बाकी 8GB की DDR4 32 MHz वाली रैम मिल जाती है एंड 512GB की PCIe NVMe SSD मिल जाती है। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। एंड आज की डेट में जहाँ पे Wi-Fi 6E तक आ चुका है, किसी भी डिवाइस से मैं एटलीस्ट Wi-Fi 6 एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी ठीक है, अभी जिस लेवल की ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है उसके लिए इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकते हैं। एंड अपग्रेडेबिलिटी की तरफ आएँ तो इसमें हमें 2 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं, जिनमें हम पर स्लॉट 1TB मतलब टोटल 2TB तक SSD लगा सकते हैं। बाकी 2 RAM के स्लॉट हैं, जिनमें हम पर स्लॉट 16GB मतलब टोटल 32GB तक RAM अपग्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें एक HDD का भी स्लॉट मिल जाता है, जिसमें हम 1TB तक HDD लगा सकते हैं। मतलब अपग्रेडेबिलिटी में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सो पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड में मिल जाते हैं 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A के पोर्ट एंड एक 3.5mm जैक। वहीं लेफ्ट साइड में मिल जाता है एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक RJ45 LAN पोर्ट, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक USB 3.0 Gen 1 Type-C पोर्ट एंड USB Type-C से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो एंड 15 वाट तक की चार्जिंग भी कर सकते हो। ओके सो कमिंग ऑन टू द बैटरी, इसमें मिल जाती है एक 45 वाट आवर की 3-cell बैटरी, जो कि 50% ब्राइटनेस एंड कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ पर यूट्यूब वीडियोस एंड ब्राउजिंग करने पे अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का बैकअप दे जाती है। एंड यहाँ पे आती है इसकी मेन दिक्कत, लाइक बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड अगर तो आप इसे पोर्टेबिलिटी के लिए ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा एंड ये एक बहुत ज़्यादा इशू आएगा। एंड अब इसका डिस्प्ले देख लेते हैं, तो इसमें हमें वही बेसिक 1080p 120Hz एंटी ग्लेयर 250 nits 45% NTSC वाला IPS डिस्प्ले पैनल मिल जाता है। एंड अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, तो सिनेमेंच R23 में हमें सिंगल कोर स्कोर मिल जाता है 1176 एंड मल्टी कोर स्कोर मिल जाता है 7837। ओके सो अब आते हैं गेमिंग टेस्ट पे, और सबसे पहले देख लेते हैं साइबरपंक एंड सेटिंग्स आपके सामने हैं। एंड 50+ FPS आ रहे हैं, वो भी साइबरपंक में, मतलब क्या बात है। एंड अब आते हैं GTA 5 पे, और वही हाई टू वेरी वाली सेटिंग्स है एंड 80-85 FPS आ रहे हैं। एंड अब बात यह COD वॉर्जोन की, एंड मतलब कमाल परफॉर्मेंस आ रही है। नाउ कमिंग टू द रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो बैलेंस्ड 50% वाला प्रीसेट है एंड वही एक्सपेक्टेड 50 के अराउंड FPS आ रहे हैं। ओके सो यही थी इसकी सारी बातचीत, अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो सबसे पहले प्रोस की बात करें तो इसमें हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है एंड डिसेंट अपग्रेड ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी कॉन्स में इसकी बैटरी लाइफ आ जाती है, जो कि एक्चुअली काफ़ी कम है। एंड अगर तो आप इसकी बैटरी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, देन 67,000 में ये लैपटॉप एक काफ़ी अच्छी डील प्रोवाइड कर देता है। नहीं तो अल्टरनेटिव्स की बात करें तो Acer Nitro 5, जो कि 70,000 के नीचे एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, डिसेंट परफॉर्मेंस, डिसेंट बैटरी एंड डिसेंट डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है, वो भी आपकी एक चॉइस हो सकता है। एंड अगर तो आपको एक परफॉर्मेंस बीस चाहिए, देन 70,000 के नीचे Dell G15 कुड बी योर चॉइस, बट उसमें डिस्प्ले की थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी रिव्यू उसका भी किया है, आई बटन में लिंक है, ज़रूर चेक करना। एंड HP की तरफ से भी 2 लैपटॉप है, HP Pavilion एंड HP Victus।
एंड वो मैं थोड़ा सा कम ही रेकमेंड करूँगा ड्यू टू देयर टेम्परेचर एंड बिल्ड क्वालिटी इश्यूज़। सो यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।